Hello everyone, today we will discuss about the Ramsar wetland sites. ये topic UPSC, State PCS के prelims and mains दोनों के लिए important है. तो आज हम Ramsar wetland sites को both prelims and mains point of view से discuss करेंगे. इसके साथ ही हम prelims and mains के previous year questions को भी discuss करेंगे. First of all देखते हैं what is Ramsar wetland sites. रामसर वेटलैंड साइट्स है क्या. इस टॉपिक में हम वेटलैंड नहीं सिर्फ रामसर साइट्स को डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक में हम वेटलैंड को एम्फेसाइज नहीं करेंगे, रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे ये क्या होती है. चलिए देखते हैं. रामसर कन्वेंशन जो है इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड Sustainable utilization of wetlands. अगर आपको ओनली रामसर साइट्स लिखा है तब भी ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये किसके ऊपर है, वेटलैंड के कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के ऊपर है, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ वेटलैंड के और उनकी क्या इकोनॉमिक कल्चरल साइंटिफिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज है. और इस रामसर वेटलैंड साइट्स ये नाम कहाँ से आया, इसका नाम आया था जो रामसर है वो ईरान की एक सिटी है ऑन द कैस्पियन सी जहाँ पे इस ट्रीटी को साइन किया गया था ऑन 2 फरवरी 1971 में. अगर ऑफिशियली देखें तो इसको कैसे जानते हैं, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट और मोर रिसेंटली जस्ट द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. मीन्स अगर आपके सामने लिखा हुआ है द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस या फिर द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स तो ये सेम ही बात है. ये क्या है, रामसर साइट्स की बात हो रही है. और ये कब फोर्स में आई थी, इन 1975 में फोर्स में आई थी. और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ये कन्वेंशन कब फोर्स में आई थी, 1 फरवरी 1982 में. तो ये सारे फैक्ट्स आपने लर्न करने हैं. इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है. इसका क्या मीनिंग हुआ, मीन्स इट हैज नो पनिटिव सेंक्शंस फॉर वायलेशंस अपॉन ट्रीटी कमिटमेंट्स. अगर ट्रीटी को वायलेट किया जाता है तो उसके लिए कोई भी पनिटिव सेंक्शंस नहीं रहेंगी. इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस एंड यूनेस्को सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट का पार्ट भी नहीं है. तो प्रीलिम्स में आपको दो तीन ऑप्शंस देके ऐसे पॉइंट्स पूछ सकते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है कि लीगली बाइंडिंग है या नहीं, या यूएन एंड यूनेस्को सिस्टम का पार्ट है या नहीं, तो ये आपको याद रखना है. अब देखते हैं इस कन्वेंशन का मिशन क्या है. कन्वेंशन मिशन इज द कंजर्वेशन एंड wise use of all wetlands through local national actions and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world. Means is convention ka mission hai ki wetlands ko local नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू कंजर्व करना और वाइज यूज करना. इनका वाइज यूज के कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे. और इसका क्या करना, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, ताकि क्या अचीव किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द वर्ल्ड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत बार इसके ऊपर इसके रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये जो रामसर कन्वेंशन है वो भी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द वर्ल्ड. चलिए देखते हैं कि थ्री पिलर्स कौन से हैं इस कन्वेंशन के. फर्स्ट इज वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स. सारे कंट्रीज को क्या करना है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स को फॉलो करना है. Second is designate suitable wetlands for the list of wetlands of international importance, जिसको कि रामसर लिस्ट बोला जाएगा, and ensure their effective management. जो suitable wetlands है उनको add किया जाए रामसर लिस्ट में और उनका effective management किया जाए. Third is
कॉपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम एंड शेयर्ड स्पीसीज. तो कुछ ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड मीन्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो वेटलैंड होती है जो बॉर्डर्स शेयर करती है उन वेटलैंड के ऊपर इंटरनेशनली कॉपरेट किया जाए. अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं वाइस यूज का कंसेप्ट क्या है. अंडर आर्टिकल 3.1 ऑफ द कन्वेंशन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एग्री टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट देयर प्लानिंग सो एज टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड इंक्लूडेड इन द लिस्ट एंड एज फार एज पॉसिबल द वाइस यूज ऑफ वेटलैंड इन देयर टेरिटरी. आर्टिकल 3.1 ऑफ द कन्वेंशन क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो एग्री करती हैं कि वो फॉर्मुलेट करेंगी और इम्प्लीमेंट करेंगी प्लानिंग को ताकि वेटलैंड की कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके और वाइस यूज ऑफ वेटलैंड किया जा सके. इसका मतलब ये जो वाइस यूज का कंसेप्ट है वो आर्टिकल 3.1 ऑफ द कन्वेंशन में मेंशन है. तो वाइस यूज ऑफ वेटलैंड क्या है. दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर अचीव थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोचेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मीन्स वाइस यूज का मीनिंग है कि वेटलैंड को उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में ही मेंटेन करके रखना और ये कैसे हो पाएगा थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोसिस्टम अप्रोचेस. और ये सब कुछ किसके अंदर होना चाहिए ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मींस वाइस यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके रिलेशन में है साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. तो वाइड यूज इम्फेसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग. वाइड यूज किसके ऊपर इम्फेसाइज करता है. इसमें थ्री पॉइंट्स है, हम तीनों पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज एडॉप्ट नेशनल वेटलैंड पॉलिसीज. क्या करना चाहिए, नेशनल वेटलैंड पॉलिसीज होनी चाहिए और जिसमें क्या क्या होगा, इन्वॉल्विंग अ रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स टू डील विद वेटलैंड मैटर्स. वेटलैंड मैटर्स से डील करने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है और जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं उनका रिव्यू करना और एक सेपरेट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बनाना एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल एनवायरमेंट एक्शन प्लान या फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और अदर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू. मीन्स जितने भी कोई भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट या फिर लेजिस्लेशन बने उनका रिव्यू करना, ठीक है, और अडॉप्ट करना नेशनल वेटलैंड पॉलिसीज को. सेकेंड इज डेवलप प्रोग्राम्स. किसके लिए, वेटलैंड इन्वेंट्री. मीन्स जो वेटलैंड की लिस्ट है उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना, रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ये सारे डेवलप करने प्रोग्राम्स. देन थर्ड वन इज टेक एक्शन एट वेटलैंड साइट्स. कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स बनाना जिसमें कि वेटलैंड्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा और उनका जो रिलेशनशिप है कैचमेंट्स के साथ उनको भी इसके अंडर कवर किया जाएगा. मींस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना. तो ये जो थ्री इम्फेसाइज किए गए पॉइंट्स इनको आपने अपने माइंड में रखना है बिकॉज मेंस आंसर राइटिंग में आप ये वाले पॉइंट्स यूज करोगे और यहाँ पे इसको वाइज यूज का क्या मीनिंग है आप इसको यूज कर सकते हो. चलिए स्टूडेंट्स अभी देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड रामसर साइट. अगर किसी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है तो उससे क्या फायदा होगा. फर्स्ट इज इट विल हेल्प इन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड. ये सब समझ गए होंगे, कंजर्वेशन वर्ड बार बार आ रहा है एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड भी बार बार आ रहा है. तो इससे क्या होगा, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड में हेल्प मिलेगी. सेकेंड, रिसीव नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. जब ये रामसर साइट के अंडर डिक्लेयर कर दी जाएगी साइट तो इसकी जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉपरेशन है इसके कंजर्वेशन के ऊपर या इसके मैनेजमेंट के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगी. इससे सेंट्रल फंडिंग भी रिसीव होगी और जिससे कि टूरिज्म भी बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी किसके लिए, जो लोकल लोग होंगे वहाँ के. और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे सराउंडिंग एरिया को, टूरिज्म जैसे कि इंक्रीज हो रहा है. और इससे क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज होगी और जिससे कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड होगी इन द स्टेट.
ये सब इसलिए किया जा रहा है बिकॉज जो वेटलैंड होती है उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वेटलैंड जो है वो हम डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ रामसर साइट को कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट, इसके रिलेशन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स. वेटलैंड साइट्स का एक रजिस्टर है ये ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. वेयर ऐसी साइट्स, वेयर क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड. ऐसी वेटलैंड्स जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं या फिर अनलाइकली टू अकर या फिर हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पॉल्यूशन की वजह से या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से. तो उनका सारा एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं. एंड इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट. टू वेटलैंड्स इंडिया की जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है वो है किलाउदियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है एंड लॉकटक लेक जो कि मणिपुर में है. वेरी इंपॉर्टेंट, केलाउदियो और लॉकटक लेक के ऊपर अलग से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रिक्स के अंदर कौन से, और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इटसेल्फ होता क्या है, ये भी आपने याद रखना है. देन चिलिका लेक जो ओडिशा में है, इट वॉज प्लेस्ड इन द रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव फ्रॉम इट. पहले इसको रखा गया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में लेकिन जब ये रिवाइव होगी तो इसको रिमूव कर दिया गया था. चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं यूपीएससी का मेन्स का क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है. इसमें क्वेश्चन इज व्हाट इज वेटलैंड, एक्सप्लेन द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, साइट टू एग्जांपल्स ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया. ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन था एंड ये आपका क्वेश्चन है 2018 का. तो चलिए हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं. आई विल सजेस्ट यू कि आप जरूर इसको अपनी कॉपीज के ऊपर लिख के देखिए बिकॉज मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट आप इसका फ्रेमवर्क बना सकते हैं क्या क्या आप लिखेंगे, इससे फाइनली आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपने देखना है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है. डिमांड क्या है आपको लिखना है, फर्स्ट व्हाट इज वेटलैंड, वेटलैंड के बारे में बताना है. ठीक है, यही आपकी इंट्रो भी हो जाएगी. यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे वेटलैंड को. तो वेटलैंड बेसिकली क्या होती है, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन बिटवीन द डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बीच में होते हैं. एंड वेटलैंड आर सैचुरेटेड विद वाटर या सीजनली या फिर परमानेंटली, और इसके अंडर मैनग्रोव्स, मार्शेस, रिवर, लेक्स, डेल्टा एक्सेट्रा सारे इंक्लूड होते हैं. तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे इंट्रो में. सेकेंडली, वेटलैंड को डिफाइन करने के बाद आप बॉडी के अंदर टू पार्ट्स में हमें क्वेश्चन डिवाइड है. फर्स्ट आपको लिखना है वाइस यूज के बारे में, सेकेंडली आपको टू एग्जांपल देनी है इंडिया में से रामसर साइट्स. तो पहले आप वाइस यूज के बारे में लिखोगे. अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया है वाइस यूज का मीनिंग एंड देन उसकी जो थ्री इम्फेसाइज्ड एरिया है वो आपने उसमें डालने हैं, वो आपने उसमें लिखने हैं. एंड देन सेकेंडली कोई भी दो रामसर साइट्स के आप एग्जांपल दे सकते हो. अभी हमने जो किलाउदियो एंड लॉकटक लेक किया है उसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो, या जो भी आपके माइंड में आ रही है वो वाली एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो. एंड देन कंक्लूजन, एट लास्ट में आप क्या दोगे, कंक्लूजन दोगे. तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि वेटलैंड्स आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. तो इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो एंड देन आप बता सकते हो कि इसको कंजर्व करना कितना जरूरी है, और ये जो रामसर का जो कंसेप्ट है वो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है. तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो. तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर इस क्वेश्चन को लिख के देखिए. चलिए देखते हैं इंडिया में, देखिए टोटल है हमारे पास 37, हमारे पास कितनी साइट्स है रामसर साइट्स, 37 है. पहले 27 थी, 10 न्यू इंक्लूड हुई है, तो टोटल अभी 37 है. जो न्यू इंक्लूडेड हुई है वो रेड से इंडिकेट की गई है. तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सो डेट आपको याद हो जाए. अष्टमुड़ी वेटलैंड जो है वो केरला में है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में, भीतरकनिका मैनग्रोव्स उड़ीसा में,
भोज वेटलैंड्स एमपी में, चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, चिलिका लेक ओडिशा में, डीपोरबिल आसाम में, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल में, हरिके लेक पंजाब में, होकेरा वेटलैंड जेएनके में, कंजली लेक पंजाब में, कलाउदेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में, कोलारू लेक आंध्र प्रदेश में, लॉकटक लेक मणिपुर में, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में, नंदूर मधवेश्वर महाराष्ट्र में, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ पंजाब में, रुद्र सागर त्रिपुरा में, समन बर्ड सेंचुरी यूपी में, समाजपुर बर्ड सेंचुरी यूपी में, सांभर लेक राजस्थान में, सैंडी बर्ड सेंचुरी यूपी में, सारसाय नवार झील यूपी में, सास्तमकोटा लेक केरला में, सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल, सोदिनसार मानसार लेक जे एंड के, सोमोरेरी लेक जम्मू एंड कश्मीर में, अपर गंगा रिवर जो कि ब्रिज घाट टू नरोरा स्टेच तक है वो यूपी में, वेम्बन कॉल वेटलैंड केरला में, वुल्लर लेक जे एंड के में। यहाँ पे इनकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन भी दी है, आप इसमें से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं और इनके एरियाज भी मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप एरिया में देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है दिस इज 0.2 मींस ये है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल में ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और अगर हम सबसे लार्जेस्ट की बात करें सो दिस इज 4230 ये है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वेटलैंड। यहाँ पे टोटल 37 जो साइट्स हैं उनको लोकेट किया गया है, तो आप अपने मैप पे लोकेट करके देख सकते हैं सो डेट कि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स कुछ हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं इसके रिलेशन में। 2nd of Feb जो है ईच ईयर उसको हम कैसे मनाते हैं एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है 2nd February। थीम फॉर 2020 क्या था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर मैक्सिमम साइट्स की बात करें मैक्सिमम साइट्स जो है वो कहाँ पे है यूपी में है और उसके बाद पंजाब में है और यूटी जहाँ पे सबसे ज्यादा है वो कौन सी है जेएनके में है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में रामसर साइट्स हैं। सुंदरबन वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है वो लार्जेस्ट साइट है एंड उसके बाद वेम्बन एंड देन चिलिका और रेणुका वेटलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। चलिए स्टूडेंट्स हम अब डिफरेंट वेटलैंड्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज इनके रिलेशन में प्रिलिम्स में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट रिवर्स इसकी लोकेशंस कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है तो जो जो इसके रिलेशन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अष्टमुड़ी वेटलैंड कहाँ पे है केरला में है और ये 2nd largest है कहाँ पे केरला स्टेट में। ये साइट जो है वो सपोर्ट करती है मैनग्रोव स्पीसीज को एसोसिएटेड प्लांट स्पीसीज को और स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जिसमें से जो 6 जो है वो माइग्रेटरी स्पीसीज है। ये क्या है नेचुरल बैक वाटर है और कहाँ पे पड़ती है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसमें से रिवर कल्लड एंड पालीचल जो है वो ड्रेन करती है। ये क्या बनाती है एस्चुरी बनाती है और इसीलिए ये क्या है एक फिशिंग हार्बर की तरह बहुत ज्यादा फेमस है और नेशनल वाटर वे 3 इसमें से पास करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन रिलेशन टू अष्टमुड़ी वेटलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी लोकेशन कहाँ पे है पंजाब में है। ये क्या है इट इज अ 185 किलोमीटर स्ट्रेच है किसका ब्यास रिवर का और जो रिवर है वो होस्ट करती है ओनली नॉन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। जो इंडस रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन है जो कि इंडेंजर्ड कहा जाता है जिसको इंडस रिवर डॉल्फिन को वो इसी में ही है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में ही है। 2017 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को रीइंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपने याद रखने हैं बिकॉज प्रिलिम्स में डायरेक्टली क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज भीतरकनिका। भीतरकनिका इसकी लोकेशन कहाँ पे है ओडिशा में है और इट इज अ पार्ट ऑफ भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पार्ट है। जो इसका कोर एरिया था इस सेंचुरी का उसे डिक्लेयर कर दिया गया था एज भीतरकनिका नेशनल पार्क और ये किसके लिए फेमस है
सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले सी टर्टल के लिए। ये जो बिटर कानिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें गाहिर माथा मैरिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूडेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इन रिलेशन टू बिटर कानिका, आपने याद रखना है इन सबको। नेक्स्ट है बोध वेटलैंड। बोध वेटलैंड की लोकेशन कहाँ पे है? भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। इट इज अ ह्यूमन मेड रिजर्वोयर, मीन्स ये आर्टिफिशियल है। लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया सारस क्रेन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सारस क्रेन जो लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे पाया जाता है? बोध वेटलैंड में पाया जाता है। और बोध वेटलैंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट वेटलैंड जो है वो उसका नेम है चंद्रताल। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ये एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो कि अपर चंद्र वैली में है, और ये कुंजम पास के नियर है जो कि ज्वाइन करते हैं हिमालयन एंड पीर पंचाल रेंजेस को। इसके अलावा ये जो चंद्रताल है वो सपोर्ट करती है साइट्स एंड IUCN में जो रेड लिस्टेड स्नो लेपर्ड है उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी स्पीसीज जैसे कि स्नोकॉक, चुकोर, ब्लैक रिंग स्टिल्ट, कैस्ट्रल, गोल्डन ईगल, चॉग, रेड फॉक्स, हिमालयन आईबैक्स एंड ब्लू शीप एक्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका जो 65% ऑफ लार्जर कैचमेंट है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट बन चुका है ड्यू टू ओवरग्रेजिंग बाय द नोमैडिक हर्ड्समैन। नोमैडिक हर्ड्समैन की जो ओवरग्रेजिंग की वजह से ये काफी डिग्रेड हो चुका है एरिया, और 35% जो है वो कवर्ड हो चुका है बाय ग्रासलैंड्स। इसके अलावा इसके इस साइट को थ्रेटनिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसका फ्रेगाइल एंड स्पार्स वेजिटेशन, समर ट्रैकिंग, वेस्ट एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज का ना होना, ये सारे यहाँ पे क्या है? थ्रेटनिंग फैक्टर्स हैं इस साइट के लिए। तो चंद्रताल जो है रामसर साइट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है चिलिका लेक। चिलिका लेक की लोकेशन कहाँ पे है? ओडिशा में। ये क्या है? एक ब्रैकिश वाटर लेगून है, और किसके माउथ पे है? दया रिवर के। किसके माउथ पे है? दया रिवर के। इट इज लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया कौन सा है, तो वो कौन सा है? चिलिका लेक। 1981 में चिलिका लेक वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। तो अगर आपको ऑल्डेस्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछे तो कौन सी होगी? चिलिका लेक होगी। देन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है नालबाना बर्ड सेंचुरी जो है वो कोर एरिया ऑफ द रामसार डेजिग्नेटेड वेटलैंड ऑफ चिलिका लेक है। देन द इरावड़ी डॉल्फिन। इरावड़ी डॉल्फिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ चिलिका लेक। इरावड़ी डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है? चिलिका लेक में है। और ये क्या है? इरावड़ी डॉल्फिन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट इज डीपोर बील। बील का मीनिंग वेटलैंड ही होता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? आसाम में है। और ये जो बील है इट इज अ स्टेजिंग साइट ऑन द माइग्रेटरी फ्लाईवेज एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स इन आसाम कैन बी सीन स्पेशली इन द विंटर। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और एक्वेटिक बर्ड्स की भी काफी सारी कॉन्सेंट्रेशन है। कुछ ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि स्पॉट बिल्ड पेलिकन, लेसर एंड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक एंड बियर्स पोचार्ड एटसेट्रा। अब इस साइट को थ्रेट कौन कौन से हैं? ओवरफिशिंग, हंटिंग प्रेशर, पोल्यूशन जो कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है, एंड इन्फेस्टेशन बाय द वाटर हायसिन। सो ये कुछ पोटेंशियल थ्रेट्स हैं डीपोर वेटलैंड के लिए। नेक्स्ट है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। इसकी लोकेशन कोलकाता के नाम से पता चल रहा है वेस्ट बंगाल में है। ये क्या है? दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। ये लाई करती है ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा के ईस्ट में वेटलैंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ के लोकल फिशरमैन फार्मर्स हैं इन्होंने इसका बहुत अच्छा यूज किया है। और ये वेटलैंड सर्व करती है एज द नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर द सिटी। जो कोलकाता का सीवेज वेस्ट है उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स होस्ट करती है लार्जेस्ट सीवेज फेड एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरिके वेटलैंड।
ये कहाँ पे है? पंजाब में है. इट इज अ शैलो वाटर रिजर्वायर है और किसके कॉन्फ्लुएंस पे है? ब्यास एंड सतलज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है. हरिके वेटलैंड, इसको और क्या कहते हैं, हरिके पतन भी बोलते हैं, और हरिके लेक जो है इसका डीपेस्ट पार्ट है. इस वेटलैंड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा रिच है एंड इट प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस इन द कैचमेंट विद इट्स वास्ट कंसेंट्रेशन ऑफ माइग्रेटरी फोना ऑफ वाटरफॉल्स इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज. तो यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज भी होती हैं और ये साइट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल है. तो इसका नेम याद रखना आपने, हरिके वेटलैंड, जिसको हरिके पतन भी बोलते हैं, और ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे है? ब्यास एंड सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है. नेक्स्ट इज द होकेरा वेटलैंड, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में, और ये नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड है. ये वेटलैंड क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, फिशेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वेराइटी ऑफ वाटर बर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे पोटेंशियल थ्रेट्स कौन कौन से हैं? जो रीसेंट हाउसिंग फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं, गार्बेज जो यहाँ पे हैं, और जो डिमांड है टूरिस्ट फैसिलिटीज की, वो सारे यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल थ्रेट्स हैं. नेक्स्ट इज द कंजली वेटलैंड. कंजली वेटलैंड भी क्या है? ये मैनमेड वेटलैंड है और इसके अंदर ही कंजली लेक भी है. और ये कहाँ पे है? पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है. ये कब क्रिएट हुई थी? 1870 में क्रिएट की गई थी. किसके अक्रॉस? पैरेनियल बीन रिवर के, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है. और इसको क्यों क्रिएट किया गया था? ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके हिंटरलैंड एरिया में. ये बर्ड वॉचिंग एंड बोटिंग के लिए बहुत ही फेमस साइट है. ये हाइड्रो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस साइट की सेक्रेड वैल्यू भी है बिकॉज ये माना जाता है कि ये जो बेन रिवर है यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने एनलाइटनमेंट अटेन किया था. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट साइट देखते हैं, क्योलाउदेव नेशनल पार्क. लोकेशन कहाँ पे है? राजस्थान में. इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिए इसको. ये क्या है? ये भी मैन मेड है एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड है. और इसको कैसे फॉर्म किया गया है? थ्रू द इनंडेशन ऑफ गंभीरा एंड बाणगंगा रिवर्स के थ्रू. अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल लेगून्स है जो कि डिफरेंट साइज में है. माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. लेकिन इन्वेजिव ग्रोथ ऑफ ग्रास जिसका नाम है पासपेलम डिस्टिकम की वजह से इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया है और जो वाटर बर्ड स्पीसीज थी उनके लिए अब ये सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं रहा है उतना जितना कि पहले होता था, बेसिकली साइबेरियन क्रेन्स के लिए. और इसको किसमें इंक्लूड किया गया है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट रामसर साइट है केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व. इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पंजाब में है. और रिजर्व में क्या? नेचुरल मार्शेस, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स एंड एग्रीकल्चर वेटलैंड्स जो कि मेंटेन किए जाते हैं बाय द एनुअल रेनफॉल के थ्रू. और ये काफी ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड है और इसमें फिश पॉन्ड्स को मैनेज किया जाता है और क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है जैसे कि लोटस एंड चेस्टनट एक्सेट्रा. और इस तरह मैनेजमेंट करने की वजह से यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है वैरायटी ऑफ फ्लोरा को. और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम्पल है वाइज यूज ऑफ अ कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड की, जिससे कि लोगों को फूड प्रोवाइड होता है और लोकल बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट मिलती है. तो आप वाइज यूज में इसकी एग्जाम्पल दे सकते थे मेंस के क्वेश्चन में. नेक्स्ट रामसर साइट है कोलारू लेक. ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है. ये नेचुरल लेक है जो कि सिचुएटेड है बिटवीन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लर्न कर लीजिए. कोलारू लेक किसके बीच में है? रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में है. ये जो लेक है इज फेड डायरेक्टली बाय वाटर फ्रॉम द सीजनल बुद्धामेरू एंड तमिलेरू स्ट्रीम्स. ये जो बुद्धामेरू एंड तमिलेरू स्ट्रीम्स है इसके थ्रू ये क्या होती है? फेड होती है ये वाली लेक. नेक्स्ट हमारे पास है लॉकटक लेक. इंपॉर्टेंट है लॉकटक लेक. कहाँ पे? इसकी लोकेशन मणिपुर में है. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केबुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड. ऑलरेडी ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है. तो कौन सा ऐसा
फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में वो है केबू लांजाओ, जो किस में है, लोकटक लेक में है, जो मणिपुर में है। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको क्या कहते हैं, इस वेजिटेशन का नाम है फुमड़ीज। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसको भी किसमें लिस्ट किया गया है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कब, जून 1693 में, जिसमें आपको पता ही है ये रामसर साइट का ही एक रिकॉर्ड होता है, इट्स रजिस्टर्ड ऐसी साइट्स का जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया है या हो रहा है या लाइकली टू अकर है। नेक्स्ट रामसर साइट है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये क्या है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है थार डेजर्ट एरिया में। और इस वेटलैंड को लाइफलाइन कहा जाता है किसके लिए, एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एज के लिए। नेक्स्ट रामसर साइट है नंदूर मधमेश्वर। नंदूर मधमेश्वर साइट कहाँ पे है, नाशिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में है। और ये जो साइट है नंदूर, ये क्या बनी है, महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट बनी है, जिसको याद रखना आपने। नंदूर मधेश्वर वेटलैंड हैज बीन फॉर्म्ड बाय शैलो बैक वाटर्स ऑफ नंदूर मधेश्वर डैम। नंदूर मधेश्वर डैम के जो शैलो बैक वाटर्स है उसके थ्रू ये फॉर्म हुए हैं। और इसको महाराष्ट्र का भरतपुर भी बोला जाता है। तो महाराष्ट्र का भरतपुर किसे कहते हैं, नंदूर मधमेश्वर को। नेक्स्ट है हमारे पास नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है, शिवालिक फुटहिल्स पे है पंजाब में। और ये फ्लोरा एंड फोना को सपोर्ट करता है, कुछ सर्टेन स्पीसीज भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलियन एंड इजिप्शियन वल्चर। और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इन 1961। नेक्स्ट रामसर साइट है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और इसको नेम चेंज करके क्या रखा गया था, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। इस ईयर में 2015 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का नेम रखा गया था चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी 2015 में। और ये सेंचुरी जो है काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, यूपी में ही है। पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी जो है वो एक परमानेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, जिसमें कि दो ऑक्सबो लेक्स हैं। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट रम्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर पाए जाते हैं। और ये जो है हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखने में हेल्पफुल है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को इंश्योर करती है। इसके अलावा इस लेक के अराउंड कुछ एंशियंट टेम्पल्स हैं, इसकी वजह से इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और इसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म भी है। लेकिन इनवेजिव स्पीसीज जैसे कि कॉमन वाटर हायसिंथ जो है वो इसके लिए एक थ्रेट है, जो रोड्स एंड रेलवे के साथ साथ में पाया जाता है, तो ये इसके लिए क्या है, पोटेंशियल थ्रेट है। नेक्स्ट रामसर साइट है पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और ये जो सेंचुरी है, इट इज होम टू डाइवर्स क्रिएचर दैट डिपेंड्स ऑन इट फॉर फूड शेल्टर एंड लिवलीहुड। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगोज जो कि अक्रॉस ईरान कैस्पियन सी से आते हैं और रन ऑफ कच्छ गुजरात में एंड देन रीच करते हैं पॉइंट कैलीमेयर इन तमिलनाडु, तो फ्लेमिंगोज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक की लोकेशन कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये डैम कहाँ पे बना हुआ, ब्यास रिवर पे। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर। तो समटाइम्स आपको अगर महाराणा प्रताप सागर लिखा मिल जाए तो उसका क्या मीनिंग है, सेम एज द पोंग डैम लेक। नेक्स्ट इज रेणुका लेक जो कि सबसे छोटी रामसर साइट है। लोकेशन कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, गिरी रिवर पे है। और ये नेचुरल वेटलैंड है, यहाँ पे फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स भी है। रेणुका कौन थी, रेणुका जो हिंदू से परशुराम थे उनकी मदर थी। नेक्स्ट वेटलैंड है हमारे पास रोपर वेटलैंड। लोकेशन कहाँ पे है, पंजाब में है। ये कौन सी है, ह्यूमन मेड वेटलैंड है। किसको यूज करके बनाई गई है, सतलुज रिवर को यूज करके बनाई गई है। नेक्स्ट रामसर साइट है रुद्र सागर लेक। रुद्र सागर कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। और ये कैसे बना हुआ, नेचुरल सेडिमेंटेशन रिजर्वायर है। और इसको थ्री पैरेनियल स्ट्रीम से वाटर मिलता है। IUCN रेड लिस्टेड
थ्री स्ट्राइप ग्रुप टर्टल यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट रामसर साइट है समन बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे है ये, यूपी में है। ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है गैंगेस फ्लड प्लेन में, और ये हैविली रिलाय करती है मॉनसून के ऊपर। इसके अलावा ये कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फॉर एग्रीकल्चर, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, टूरिज्म एटसेट्रा। और यहाँ पे जो सेटलमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है इसके आसपास में, और सैलिनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, ये यहाँ पे क्या है, इस वेटलैंड के लिए थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट इज समाजपुर बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ये पैरेनियल लोलैंड मार्श टिपिकल है, कहाँ पे, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, और ये प्रोवाइड करती है फूड प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर फोडर, और इसके साथ साथ ही ये बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखती है। इनवेजिव स्पीसीज जो है वो इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर के लिए थ्रेट है। तो समाजपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, यूपी में। नेक्स्ट रामसर साइट है सांबर लेक, कहाँ पे है सांबर लेक, राजस्थान में है। ये एक सॉल्ट लेक है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सैंडी बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे है, यूपी में है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, और इसको जो वाटर रिसीव होता है वो कहाँ से होता है, मॉनसून रेन से होता है। यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, और वाटर बर्ड्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रिक्रिएशनल टूरिज्म लाइफ स्टॉक फॉर्डर के लिए भी ये साइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्रॉट जो है वो इस साइट के लिए एक थ्रेट है, सेंचुरी जो थी वो ड्राइड आउट हो गई थी, लीडिंग टू अ सब्सिक्वेंट कोलैप्स इन द वाटर बर्ड पॉपुलेशन फ्रॉम 2014 टू 2015। ड्राई आउट होने की वजह से जो वर्ल्ड बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। नेक्स्ट इज सालसाए नवार झील, ये कहाँ पे है, यूपी में है। इसका नेम कहाँ से मिला है, लार्ज नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन से इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट रामसर साइट है सास्तम कोटा लेक, कहाँ पे है, ये केरला में है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला है। इसके वाटर के अंदर जो बैक्टीरियाज है उसको एक लार्वा जिसका नाम है कावा बोरस वो उसको एलिमिनेट कर देता है, इसीलिए इस लेक का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। तो सास्तम कोटा लेक कहाँ पे है, केरला में है। नेक्स्ट है सुंदरबन वेटलैंड, कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल में है, और सुंदरबन वेटलैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। नेक्स्ट साइट है सुरिनसर मानसर लेक्स, ये कहाँ पे है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है। सुरिनसर रेनफेड है लेकिन परमानेंट डिस्चार्ज नहीं होता यहाँ पे, और मानसर जो है वो प्राइमेरली फेड होती है बाय द सरफेस रन ऑफ। और ये कहाँ से आता है जो वाटर है, वो पैडी फील्ड से आता है, और जिसका इनफ्लो इंक्रीज हो जाता है रेनी सीजन में। यहाँ पे इस लेक में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ये अट्रैक्टिव हैबिटेट है, ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड है माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए। इसके अलावा ये साइट सोशली एंड कल्चरली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अराउंड बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और इसका मिथिकल ओरिजिन महाभारत पीरियड से माना जाता है। और इसके थ्रेट्स अगर देखें तो कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो विजिटर्स की जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, बाथिंग एंड क्रीमेशन रिचुअल्स की जो है वो सारे इसके लिए पोटेंशियल थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट रामसर साइट है सोमोरीरी, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लद्दाख में है। द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो कि चाइना में है, इसके अलावा जो इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है वो कहाँ पे है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है। यहाँ पे टिप्टन वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, और कॉर्जोक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी यहाँ पे है। नेक्स्ट इज द अपर गंगा रिवर रामसर साइट, ये कहाँ पे है, यूपी में है, और रिवर प्रोवाइड करती है गैंगेस रिवर डॉल्फिन एंड घड़ियाल क्रोकोडाइल को सपोर्ट करती है। ये जो गैंगेस रिवर डॉल्फिन और घड़ियाल क्रोकोडाइल है ये IUCN रेड लिस्टेड है। नेक्स्ट रामसर साइट है वेम्बन स्कॉल वेटलैंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, केरला में है। ये केरला की लार्जेस्ट लेक है, और कहाँ कहाँ पे, अल्लापूजा कोट्टयम अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में आफ्टर सुंदरबन। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, नॉट द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है।
नेक्स्ट रामसर साइट है वुल्लर लेक, ये कहाँ पे है? यूटी ऑफ जे एंड के में है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की और ये फॉर्म कैसे हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो वुल्लर लेक कहाँ पे है? जे एंड के में। तो इसके साथ ही हमारी जो डिस्क्रिप्शन थी रामसर साइट्स की वो कंप्लीट होती है। तो अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से हमें पता चलता है कि एग्जामिनर जो है वो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है और हमारा जो माइंडसेट है वो वैसे ही चलने लगता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना। चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं और हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दोगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। वन साइड पे हमें दी हुई है वेटलैंड्स और दूसरी साइड पे दी हुई है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, मींस कौन सी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे ये बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन 2014 यूपीएससी में पूछा गया था। फर्स्ट है हरी के वेटलैंड्स, इसको बताया गया है कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज क्योलाउद्योगाना, इसको बताया गया है कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल पार्क बानस एंड चंबल। थर्ड इज कोलैरू लेक, जिसको बताया गया है कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा। तो क्वेश्चन में ये है कि कौन से पेयर जो वो करेक्टली मैच्ड है। तो ऑप्शंस दी हुई है 1 only 2 and 3 1 and 3 1 2 and 3। तो हम सारे फैक्ट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, आपने अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, आपको आंसर आपके सामने मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्राउट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई। ये 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा। बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है तो आंसर आपको पता होगा। फर्स्ट ए ऑप्शन है चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। बी इज द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लाइकली लोकेटेड शुड इलेक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 kilometers फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड। सी द सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लिविंग इन इट्स विसिनिटी एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयरिन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। या डी इज इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स विद रेफरेंस टू लॉकटक लेक। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हमने लॉकटक लेक, आपने बताना है कौन से फैक्ट्स जो नीचे दिए गए वो ट्रू है। फर्स्ट इज इट इज फेमस फॉर फुमड़ीज, अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना है तो फुमड़ीज आपको पता होगा क्या है। देन सेकेंड इज इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हाइड्रोपावर जनरेशन। थर्ड इज इट इज लिस्टेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वाइल चिलिका लेक इज रिमूव फ्रॉम द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आई होप आपको लेक्चर के साथ थोड़े से फैक्ट्स याद हुए होंगे और आप ये इसका आंसर अभी के अभी दे पाएंगे, तो कोशिश कीजिए आंसर देने की। ऑप्शन है only 1, only 1 and 2, only 2 and 3 या फिर 1, 2 and 3। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, रामसर साइट्स का ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं उसे अच्छे से लर्न कीजिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस किया है तो मेंस का क्वेश्चन भी जरूर करके देखिए। जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।